आज आगरा में सेंटर फॉर एम्बिशन यस मेंटर और टीचर्स एकेडमी के संयुक्त प्रयासों से एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के निदेशक श्री अमित सिंह द्वारा बताया गया कि इस प्रतियोगिता में सभी वर्गों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। यह एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित प्रतियोगिता है, जिसका संचालन सेंटर फॉर एम्बिशन द्वारा अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी, जिसके प्रश्न पत्र को अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को सत्येंद्रनाथ टैगोर अवार्ड एवं 1,00,000 की नगद इनाम राशि, द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता को 21,000 की नगद इनाम राशि तथा तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को 11,000 की नगद राशि प्रदान की जाएगी तथा अन्य 17 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में किसी भी उम्र के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। तो अगर आपको कॉम्पिटिशन में भाग लेना है और सफल होना है तो एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम यही बात इस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे, उनका बेस मजबूत होगा तो उनका कॉन्फिडेंस आएगा तो वो कोई भी एग्जाम क्रैक करने की स्थिति में आ सकते हैं। मेरा नाम नीलेश कुमार, मैं टीचर्स एकेडमी का सेंटर हेड हूँ। ये जो प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं, इसका नाम एनसीईआरटी प्रतियोगी परीक्षा 2022 रखा है हम लोगों ने। किस तरीके से बच्चों को ट्रेन किया जाता है? इसमें किसी भी वर्ग के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन तिथि 28 सितंबर है और किसी भी आयु वर्ग के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। सर, इसमें शुल्क चार्ज क्या है? इसका हमने जो आवेदन फीस रखी है वो 99 रुपीज़ रखी है, 99 रुपये इसका आवेदन रखा गया है। बच्चा जो है वो हमारी वेबसाइट centerforambition.com पे जाकर आवेदन कर सकता है। कितने वर्ष के हैं बच्चे तक, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के अवेलेबल हैं? कोई क्लास वर्ग नहीं है, ना ही कोई आयु वर्ग निर्धारित किया गया है। ये ओपन प्रतियोगिता है। सर, ये प्रदेश स्तर पर है, जिला स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर? ये प्रदेश स्तर पर है। इसमें जिला स्तर के भी बच्चे, मंडल स्तर के भी बच्चे और प्रदेश स्तर के भी बच्चे, कोई भी बच्चे जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसमें इनामी राशि आपने क्या? इनामी राशि हमने जो प्रथम पुरस्कार रखा है, जो भी पहला स्थान प्राप्त करेगा उसे हम 1,00,000 रुपए की नगद धनराशि। सेकंड प्राइज जो हमारा वो 21,000 रुपए का है नगद। थर्ड वाला? और जो थर्ड आएगा उसको 11,000 रुपए की नगद धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। सिर्फ बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए? ये दोनों के लिए है, बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए है, बिल्कुल ओपन है। आपको लग रहा है इस कार्यक्रम से कितना प्रोत्साहन? बिल्कुल, कोशिश हमारी यही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें वो छात्र एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ें, उनके प्रति जागरूक हों, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा का जो बेस होता है वो एनसीईआरटी की किताबों से मिलता है। अगर बच्चा एक बार एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ लेता है तो उसमें इतनी सहज और सरल भाषा लिखी हुई है कि हर प्रतियोगी परीक्षा में उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं मिलता। शुरुआत वहीं से हर परीक्षा की करते हैं, तो मुझे लगता है बच्चे मोटिवेट होंगे, जो भी प्रतियोगी हैं वो मोटिवेट होंगे, इसको बेस बनाएंगे और यही हमारा उद्देश्य है कि वो अपना बेस मजबूत करें तो आगामी परीक्षाओं में वो सफल होंगे और निश्चय ही उनको सफलता मिलेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।